मंदिर से निकलकर हम लोग बढ़े एमिरेट्स पैलेस की तरफ। पैलेस है अबू धाबी में और रास्ते में ही पड़ता है अल नूर मस्जिद, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमारे गाइड ने सजेस्ट किया कि आप लोग एक बार यहाँ पे विज़िट करें, सो हमने यहाँ पे भी विज़िट किया। मस्जिद का जो एंट्रेंस था वो इस मॉल के थ्रू ही था, सो हम ये मॉल भी देखते हुए जा रहे थे और यहाँ पे वो भी सारे ब्रांड्स थे। सो आपको अगर शॉपिंग करनी है तो आप वो भी कर लो, उसके बाद मस्जिद घूम लो, ये अच्छी टेक्निक है। हमें भूख भी लगी थी तो हमने सोचा हम जैसे मस्जिद से निकलेंगे तो हम कुछ खा पी लेंगे। और यहाँ पे हर वैरायटी की चीज़ें थी, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ थी ज्वेलरी शॉप, तो प्रांजल ने मुझे बोला कि अगर तुम्हें कुछ पसंद आता है तो तुम ले लो, और मैंने भी सोचा इतना अच्छा मौका क्यों वेस्ट करें। सो मैंने भी यहाँ पर एक ब्रेसलेट लिया, जो ये जो ब्रेसलेट है यही मैंने लिया था। ज्वेलरी की स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे 100 दिरहम थी, उसके बाद डिपेंड करता है डिज़ाइन पे, क्योंकि जो जो डिज़ाइन थी यहाँ पे काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस थे और इसकी पॉलिशिंग और जो शाइन था वो भी बहुत अच्छा था। पर यहाँ के प्राइस से और ग्लोबल विलेज के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस था। बट इन्होंने यहाँ पे गारंटी दी थी कि इसका कलर नहीं जाएगा और जो ये स्टोन है वो नहीं निकलेंगे, सो हमने यहाँ से एक परचेस कर लिया। उसके बाद मैंने जैकेट पहन ली थी क्योंकि मैं मस्जिद में आई थी, तो मुझे लगा कि जैकेट पहन लेना ही सही रहेगा, क्योंकि मंदिर में ही मुझे एंट्री नहीं मिली तो मैं भी मस्जिद में भी ना मिले। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें बुरखा या अबाया परचेस करना पड़ेगा, कूपन लेना पड़ेगा, क्योंकि कूपन के लिए बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद हम मैकडोनल्ड गए और हल्का फुल्का नाश्ता किया, उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करने लगे। मस्जिद के बाहर हमने थोड़ी सी फ़ोटो शूट करवाई, क्योंकि मस्जिद का जो लुक था वो काफ़ी सुंदर था, बहुत बड़ा मस्जिद था। रियली मैं आपको जो वीडियो में दिखा रही हूँ वो इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा जितना वो सामने से दिख रहा था, काफ़ी सुंदर था। अगर आप आते हैं तो ज़रूर विज़िट करें। एमिरेट्स पैलेस भी काफ़ी सुंदर था, उसकी बहुत सारी स्टोरीज थी जो हमारी गाइड ने हमें थोड़ी बताई थी। जैसे कि ये एक रेड बिल्डिंग है जो किसी राजा ने अपनी बहन को गिफ्ट किया था। दिन में इसका 3 कलर चेंज होता है, एक रोज़ गोल्ड, रेड एंड गोल्डन। और ये है पैलेस जिसके साइड साइड में ये फाउंटेन से बहुत अच्छे से सजाया गया था। रात को अगर आप विज़िट करेंगे तो यहाँ लाइट भी बहुत अच्छे से जलेगी। हम दिन में ही गए थे और दिन में धूप थी बट वो बेरेबल थी। हम पैलेस के अंदर भी गए थे और अंदर हमने जाके देखा एक बहुत लंबा आदमी, मैंने इतना लंबा आदमी अपने लाइफ में नहीं देखा था। खैर यहाँ पे और कुछ नहीं था, होटल थी, अगर आपको रुकना भी है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। और ये रहा पैलेस का पूरा व्यू, ऊपर से मैंने शूट किया था। और फिर वहाँ से हम निकल गए फरारी वर्ल्ड की तरफ। एंड फाइनली हम पहुँच गए फरारी वर्ल्ड, और बाहर से ये कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही बड़े एरिया में ये भी कवर किया गया है, बहुत ज़्यादा स्पेसियस, बहुत बड़ा है। ये जो ब्रिज की तरह दिख रहा है ये कोई ब्रिज नहीं है, ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर। इसको देखते ही मेरी लिटरली जितनी हिम्मत थी वो ख़त्म हो गई, और मैंने सोच लिया था कि मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं जाऊँगी, इससे छोटा कोई रोलर कोस्टर होगा तो मैं जाऊँगी। फिर पार्किंग करके ही हम गए ऊपर की तरफ, और ये भी मॉल के थ्रू ही होके हमें जाना होता है। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हर चीज़ मॉल के थ्रू ही है, आप कुछ भी अगर विज़िट करते हो तो आपको मॉल भी वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, ताकि अब आराम से खा पी भी लो, उसके बाद फिर आप घूम भी लो। सो हम यहाँ से एंटर कर रहे थे, और ये भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है। ये जो छोटे छोटे टेंट टाइप के आपको दिख रहे हैं यहाँ पर रात को,
जैसे ही शाम होती है वैसे ही शॉप्स लग जाते हैं, लोग अपनी जो जो वैरायटी है चीज़ों की वो लेकर बैठते हैं। और ये था मॉल और ये रहा फरारी वर्ल्ड। फिर हम इसमें एंटर कर रहे थे। और यहाँ एंटर करते ही मुझे जो फरारी मॉडल के जितने कार्स थे उसके स्टैचू टाइप के बने हुए थे जगह जगह पे, वहाँ पे आप जाओ फ़ोटो खिंचाओ उसके मॉडल को देखो। बट मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि शायद कार के मॉडल्स एक्चुअल वाले होंगे, हमें शायद टेस्ट ड्राइव भी मिले, बट ऐसा कुछ नहीं था। फरारी वर्ल्ड का शॉप भी था वहाँ पे, आप जाके कपड़े और बच्चों के लिए खिलौने, और मैंने यहाँ से एक कैब भी ली थी। और ये बड़ा सुंदर सा कार हमें दिखा था और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए थे। और उसके बाद हम फरारी वर्ल्ड को घूमने के लिए निकल गए। बच्चों के लिए यहाँ पे रिमोट कार थी, वो रिमोट से छोटे छोटे कार को चला रहे थे। और उसके बाद बहुत सारे राइड थे जो छोटे छोटे से थे। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है फरारी वर्ल्ड, बट बड़ों के लिए मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। अगर आप 2-3 दिन के लिए आ रहे हो या आपके पास टाइम कम है, दुबई में आपको और भी चीज़ें विज़िट करनी है, सो आप फरारी वर्ल्ड को स्किप भी कर सकते हो। एंड फिर हम गए राइड के लिए, और राइड में जाने के लिए आपको अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे सबमिट कर देनी होती है, उसके बाद ही आप राइड ले सकते हो। तो मैंने मज़ा आ गया। यहाँ वायलिन भी बज रहा था जो कि काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट कर रहा था। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है जहाँ रेस्टोरेंट हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे और चिल करें। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।